हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं मैं तो फिर भी तुमको चाहूंगा सॉन्ग के बारे में। सो इसकी इजी से तुम्हें कॉर्ड्स बताता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉर्नर पड़ा तुम्हारा गिटार उठा लो एंड लेट्स बिगिन। बढ़ते हैं कॉर्ड्स की तरफ। सो कॉर्ड्स हमारे रहने वाले हैं ई माइनर, दिस इज ई माइनर। अवर नेक्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर एंड दिस इज डी मेजर। Our last chord is C major and this is C major. So yes, these are your basic chords. और अब मैं जल्दी से तुम्हें strumming बताता हूँ कि strumming क्या रहने वाली है। So our strumming will be down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down. So this is your basic strumming. और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम original scale पे गाना चाहते हो तो तुम्हें लगेगा capo. Capo को place करना तुम 6th fret पे. This is your 6th fret. यहाँ पे तुम place करना इस capo को और यहाँ पे same chords पे तुम original scale पे गाना पूरा complete कर सकते हो। और अगर low scale पे गाना चाहते हो तो capo को place करो 5th fret पे, 4th पे, 3rd पे, 2nd पे, 1st पे, या बिना कैपो के, वो तुम्हारी मर्जी है। सो यस, मैं जल्दी से तुम्हें कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग के साथ थोड़ा सा गा के बता देता हूँ गाना कैसे प्रोसीड करेगा। सो लेट्स बिगिन। सो लाइक दिस, इस गाने को तुम पूरा प्रोसीड कर सकते हो। सो होपफुली तुम्हारी कुछ हेल्प हुई मेरी वीडियो से। अगर हेल्प हुई तो तुम मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एज यूजुअल टेक केयर एंड बाय बाय।